भाई ये है ना, हम लोग 4 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते से पहले पानी भरा था। हम लोग ग्राम पंचायत में गए थे, ग्राम पंचायत में अर्जी डाले, ग्राम पंचायत के कर्मचारी लोग आए, खाली वहाँ पे 1 हफ्ता पहले जीसीबी से थोड़ा गड्ढा किए और निकल गए। कर्मचारी को 6-6 महीना पगार नहीं मिलेगी तो ग्राम पंचायत का वो क्या काम करेगा और हमारे लिए क्या फायदा नहीं है। ग्राम पंचायत के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं जो गटर वटर साफ करते हैं वो खुद बोलते हैं हमको 6-6 महीना 8 महीना पगार नहीं मिलेगा। पूरी गटर चौकों में मेरे भाई, आपको क्या लगता है सफाई करने से इसका सोल्यूशन निकल जाएगा? सफाई करके कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, क्योंकि देखो इसमें पानी अगर 100 ml आ रहा है और आपको 10 ml पास होने की जगह है तो आप ये बताओ कि वो मसले का हल कहाँ से निकले। भिवंडी स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट विजन इंस्टीट्यूट है। धामन का नाके पर विजन क्लासेस से कोचिंग लेकर इस साल कई स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेहतरीन परसेंटेज से कामयाब हुए हैं। यहाँ पर 11th, 12th, कॉमर्स, नीट, जेईई और सीए फाउंडेशन के लिए कोचिंग दी जाती है। नीट और जेईई के लिए बैचेस बनाकर कोटा पैटर्न से पढ़ाया जाता है। विजन इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के लिए AC क्लासरूम्स, CCTV, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, डेली डाउट लेक्चर्स और वीकली टेस्ट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस साल भिवंडी में नीट, JEE, MHT, CET जैसे एग्जाम्स में टॉप करने वाले कई स्टूडेंट्स विजन इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के ग्रामीण क्षेत्र खाड़ीपार में। यहाँ का मामला ये है कि कुछ दिनों पहले, तकरीबन 20 से 25 दिनों पहले यहाँ पर एक गटर का मामला आया कब्रस्तान गेट के सामने, कब्रस्तान रसूलाबाद गेट के सामने। गटर का पानी जो है कब्रस्तान के गेट के सामने से बहने लगा। उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए, 1 से 2 दिन में कार्रवाई करते हुए JCB लगाकर, आप मेरे उल्टे हाथ की तरफ गटर देख रहे हैं, यहाँ पर इस गटर की खुदाई की गई। खुदाई करने के बाद वहाँ पर जब पानी थोड़ा कम हो गया उसके बाद ये मामला शांत हो गया था। फिर यह मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसके बाद फिर यहाँ पर काफ़ी पानी भरने लगा। और आज ईद का दूसरा दिन है और इसी जगह पर आज यहाँ पर सुबह से काफ़ी ज़्यादा पानी जाम रहा और जिसके वजह से इस कब्रस्तान में एक मैयत आई थी जो इस पानी के, इस गंदे पानी में से जिसे लेके जाया गया। बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठकर आता है कि इसमें मेंबर लोग क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। और यहाँ के स्थानिकों ने खुद गटर में घुसकर इसकी सफाई की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के कुछ स्थानिक, आइए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। भाई साहब क्या नाम है आपका? आमिर मोमिन। आमिर भाई क्या कहेंगे आप, कब से ये सब चल रहा है? भाई ये तो जब से बारिश हुई है जब से पूरा पानी जमा है और अभी ये लगाने के बाद जनाजा अंदर गया, जब ये नहीं लगता जनाजा अंदर नहीं जाता। हमारा यही बोलना है ग्राम पंचायत के, इसको हमको दुरुस्ती करके दे, साफ करके दे, कि हमको तकलीफ ना हो, जिसकी मैया तो उसको भी तकलीफ ना हो। और क्या दिक्कतों का सामना करना? और ये दिक्कत है पानी का ही दिक्कत है और कुछ नहीं है। पानी भरता है अंदर, पाक साहब लोग जाते हैं कब्रस्तान में नापाक होके जाते हैं। ये ऑफिस है और ये ऑफिस के अंदर भी पूरा पानी जमा। अच्छा, ये सब पानी आता कहाँ से? यही गटर का, गटर का पानी है पूरी। चाचा पूरा गटर बंद, ब्लॉक एकदम देखो पूरा बंद है, सब गटर है। अंदर मैंने सुना मस्जिद भी है। हाँ मस्जिद भी है। लोग कैसे आते जाते? लोग उधर इधर से ही ब्लॉक पर चढ़ के जाते हैं और उधर से भी रास्ता है। हमने जिस तरह से कुछ देर पहले दोपहर की वीडियो देखी थी उसमें देखा गया था कि काफी ज्यादा पानी था और ये अभी तो हम लोग ये ब्लॉक अभी देख रहे हैं, उस टाइम कुछ नहीं था। मैयत के वजह से रखा गया। अच्छा, मैयत के वजह से, मैयत में लेके जाना, नहीं तो पैर रखेगा इसमें नापाक हो जाएगा पानी से। ग्राम पंचायत वाले इसमें क्या करते? कुछ नहीं करते, सब देख रहे हैं तमाशा। आते जाते सामने से, लेकिन कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, सब आते जाते। भाई ये है ना, हम लोग 4 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते से पहले पानी भरा था। हम लोग ग्राम पंचायत में गए थे, ग्राम पंचायत में अर्जी डाले, ग्राम पंचायत के कर्मचारी लोग आए, खाली वहाँ पे 1 हफ्ता पहले JCB से थोड़ा गड्ढा किए और निकल गए। और कुछ उधर हम लोग को बोले नहीं कि हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर मैयत हुई फिर भी पानी भरा था तो मोहल्ले के बच्चे लोग ने फिर भी वहाँ पे लादी उदी डाल के मैयत को पास कराए।
फिर नमाजी लोग को तकलीफ होती है, नमाज नमाज पढ़ने आते मस्जिद के अंदर, बहुत से लोग बोलते हैं कि बोले हम मस्जिद में जाना छोड़ें, बोले हम दूसरी मस्जिद में जाएं। मस्जिद में जाने के लिए भी लोग आप दूसरे बोले यहाँ हमारा आना जाना दुश्वार हो गया, बोले हम दूसरी मस्जिद। फिर भी ग्राम पंचायत वाले को कोई वो नहीं है, उन लोग फिर भी ये हम लोग बोल रहे हैं, उन लोग सुनते हैं कान से निकाल ले, कोई एक्शन नहीं ले रहे बात की। मोहल्ले के अंदर भी मैंने सुना पानी भरा इसी गटर को लेके, पूरे मोहल्ले में पूरे खाड़ी पार में लोगों के घर में पानी आ रहे, पूरे गटर में इतनी घान भरी है ना, कोई देखने को तैयार नहीं। ग्राम पंचायत के मेंबर लोग को बोलो तो मेंबर लोग बोलते हैं हाँ आ रहे, आते आते ना फिर हम लोग फिर उनके पास जाओ, फिर उनको दूसरे बार बोलो तो लोग कर्मचारी लोग को भेजते, वो भी कर्मचारी जो फावड़ा चलाता निकल जाता है। एक दो आदमी आएंगे, पगार नहीं मिलेगी तो क्या काम करेगा? जब कर्मचारी को 6-6 महीना पगार नहीं मिलेगी तो ग्राम पंचायत का वो क्या काम करेगा और हमारे लिए क्या फायदा नहीं है? ग्राम पंचायत के जितने भी कार्यकर्ता लोग है जो गटर वटर साफ करते हैं वो खुद बोलते हैं हमको 6-6 महीना 8-8 महीना पगार नहीं मिलती। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी लोग जमा है, तो इस तरह से आप लोगों ने ग्राम पंचायत में जाके इस चीज की शिकायत करी? बहुत बार। दरअसल क्या है ना, मेरे को भी यहाँ पे बचपन से हम बच्चे बड़े हो गए, अपनी भी 40 साल उम्र हो गई है, मगर हमने इसी मकसद से ये गंदगी और ये सब देख के खाड़ी पार छोड़ के हम बाहर कॉर्पोरेशन में चले गए। अच्छा। तो थोड़ा सा हमको राहत मिलेगी यहाँ पे, तो गटर का तो पानी का तो मसला जिंदगी जब से बचपन से देखते चले आ रहे, हल नहीं हुआ, अब ये गटर का भी शुरू हो गया। ये तो कॉर्पोरेशन किसकी मेहरबानी के जो सिले बुले बन गया कि लोगों को थोड़ा सा चलने फिरने की राहत हो गई, मगर गटर की जो तकलीफ है वो खत्म नहीं हुई अभी तक। पूरे खाड़ी पार में ये हाल है, कोई जगह बची नहीं है। अच्छा, हमने देखा था आप अंदर गटर में जाकर सफाई कर रहे थे, आपको इस गटर देख के क्या लगा कि किस तरह इसका चौकअप है ये? सबसे पहले तो सोहेल भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे गांव के हालात दुनिया तक पहुंचाने और दिखाने के लिए आप यहां तक आए। और रहा सवाल इस गटर का मसला, तो अब से कम 15-20 दिन पहले की बात है कि यही मंजर हमारे सामने पेश आया था कि जुमा की नमाज के वक्त लोगों को आने के लिए जगह नहीं, तो जुमा बाद जो है तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे, वहाँ पे पूरी ग्राम पंचायत और सरपंच मैडम वगैरह सब आए। अब उसके बाद यह हुआ कि यहाँ पर तत्काल में सरपंच मैडम हमको बोलती कि भाई जेसीपी अभी नहीं आ सकता, कल आएगा। तो बोला ठीक है मैडम, कल आता है तो हम कल इंतज़ार कर लेंगे। सुबह 10 बजे मैं यहाँ आके मैडम को कॉल किया, सोहेल नवाब बेग को कॉल किया, बोला यार यहाँ पे जेसीपी आया नहीं है, सब एक दूसरे को कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर आ गए, करीब करीब सारे मेम्बर मौजूद हो गए। जेसीपी आया 1:30 बजे, खोदना चालू किया भाई, खोद के उतनी गटर छोड़ दी। तो उस वक्त मैं ये बोला कि भाई देखो ये छोड़ दोगे अगर आप तो ये मसले का हल नहीं है, ये मसला और बढ़ जाएगा। क्यों? कि जब बारिश गिरेगी तो मिट्टी जो है पाइप में चौकअप होगी, तो पाइप जो थोड़ा बहुत चालू हुआ भी बंद हो जाएगा। बोला नहीं, तो उसमें हमारे वार्ड नंबर 6 के इमरान उस्मान शेख साहब, इन्होंने सरपंच मैडम को सबके सामने कहा कि भाई आप तत्काल मीटिंग एक लगाओ, कल शनिचर और इतवार ये पंचायत बंद रहती है। तो इमरान शेख साहब ने कहा कि तत्काल मीटिंग लगा के इसका काम शुरू करो, तो वो चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी कि भाई चलो तत्काल मीटिंग लगा के काम ये शुरू कर देंगे, गटर को ओपन कर देंगे। मगर उस बात का 15-20 दिन हो गया और अब त्यौहार का मौका, तो मैं पूरी ग्राम पंचायत के जितने भी मेंबर और जिम्मेदार हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि त्यौहारी हमको जो है तो इस शक्ल में मिली कि आज ये हमारी हालत है कि आज जहाँ पे हमारा कायमी मुकाम है ताहश्र हमको यहाँ से उठना उसकी भी फिक्र नहीं। आज 15-20 दिन का अगर उन लोगों को वक्त मिला तो वो ये इतना काम नहीं कर पाए, तो ये बहुत शर्म की बात। पूरी गटर चौका भाई की कहीं कहीं पे ऐसा है, पूरी गटर चौका भाई मेरे भाई। तो आपको क्या लगता है सफाई करने से इसका सोल्यूशन निकल जाएगा? सफाई करके कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, क्योंकि देखो इसमें पानी अगर 100 ml आ रहा है और आपको 10 ml पास होने की जगह है, तो आप ये बताओ कि वो मसले का हल कहाँ से निकलेगा? तो आपका कहना है मतलब ये कि पूरी गटर पूरी ओपन कर दो उसको यहाँ से वहाँ तक, पूरी ओपन करके RCC गटर बना दो इतनी दूर के अंदर, तो इंशाल्लाह ये मसला खत्म हो जाएगा। क्यों? कि ये ग्रीन होटल सारा होटल ये पट्टे का पूरा पानी यहाँ पर आता है और आगे दगड़पाड़े से जो काम शुरू होता है सुपर गार्डन होटल से होते हुए पूरा पानी यहाँ पर आ रहा है, तो इतनी दूर का पानी जब पूरा सब एक जगह जमा होगा तो काफ़ी बड़ी मिकदार में होगा। या फिर इसको अगर पाइप डालना उनको तो मिनिमम 6 फीट का पाइप जो होता है वो पूरा यहाँ से वहाँ तक डालें तो ही कुछ मसले का हल निकलेगा, वरना ये कोई हल नहीं है।
फजल हॉलीडेज की तरफ से अगस्त सितंबर अक्टूबर 2023 के लिए उमरा पैकेज अनाउंस किया गया है, जिसमें उमरा वीज़ा, रिटर्न टिकट्स, मक्का मदीना होटल स्टे, इंडियन मील, ट्रांसपोर्टेशन, फ्री लॉन्ड्री के साथ मक्का मदीना की जियारत करवाई जाएगी। ये पैकेज सिर्फ 86,999 रुपये में आप हासिल कर सकते हैं। मजीद जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से आप रابطہ भी कर सकते हैं या फिर मिरेकल मॉल के ग्राउंड फ्लोर की शॉप नंबर 15 में विजिट कर सकते हैं।